सो so गाइस uh, आज के वीडियो में हम जानेंगे माइनक्राफ्ट के अंदर टूल्स कैसे बना सकते हैं और उसके लिए हमें क्या सामान चाहिए होता है तो स्टार्ट करते हैं अपनी uh, टूल्स बनाना तो सबसे पहले मैं वुड कलेक्ट करूंगी और वुड कलेक्ट करने के लिए ट्रीज होने जरूरी है आसपास और माइनक्राफ्ट के अंदर आपको बहुत सारे ट्री मिल जाते हैं कोई वैल्यू नहीं रखता कि कौन सा ट्री हो वुड चाहिए होती है किस भी, किसी भी ट्री की मिल जाए चलेगा ठीक है तो यहाँ से सिंपली मैं वुड कलेक्ट कर लेती हूँ हैंड से भी कलेक्ट हो जाती है कोई टेंशन नहीं है अच्छा अगर चाहे आप स्टोन की आ, टूल्स बनाना चाहते हो तो वुड की टूल्स कैसे बनानी है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था आई बटन लगा रही हूँ चेकआउट कर लेना अगर आपके पास एक पिकेक्स नहीं होगी जब तक वुड वाली तब तक आप माइनक्राफ्ट के अंदर कलेक्ट नहीं कर सकते हो कोबल स्टोन्स को क्योंकि कोबल स्टोन कलेक्ट करने के लिए आपको पिकेक्स चाहिए होती है जो कि वुड की होना लाजमी है अदरवाइज आप उसको स्टोन नहीं कलेक्ट कर पाओगे ठीक है तो आपके पास पिकेक्स होना जरूरी है तो यहां से हम फटाफट से स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं और आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही ऊपर हूं तो मैं थोड़ा सा उतर जाती हूँ और यहां से कलेक्ट कर लेते हैं हम ठीक है काफी सारे स्टोन्स चाहिए होंगे हमें बहुत सारी टूल्स बनानी है लाइक फाइव टूल्स तो होंगी होंगी जिसमें सॉर्ड होगी पिकेक्स होगी एक्स होगा और साथ में हम हम हुई भी बनाने वाले हैं ठीक है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर थर्टीन जो है वो मुझे मिल गए हैं तो दो और ले, ले लेती हूँ ओके गाइस तो आ, हम जाएंगे क्राफ्टिंग टेबल पे क्राफ्टिंग टेबल पे जाने के बाद सिंपल हमने इसके थ्रू लकड़ी के थ्रू हम प्लेंक्स बना लेंगे और प्लेंग्स क्यों बनाने हैं क्योंकि हमें टूल्स बनाने के लिए स्टिक्स चाहिए होती हैं तो इस सारे प्लेंग्स की हम स्टिक्स बना लेंगे और उसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे सबसे पहले हम बनाएंगे पिकेक्स तो पिकेक्स बनाने के लिए दो स्टिक्स इस, इस तरीके से रखते हैं उसके बाद हम इन तीन ब्लॉक्स के अंदर हम रखते हैं कोपल स्टोन्स और यहाँ पर हमारी जो पिकेक्स है वो रेडी हो चुकी है उसके बाद हम नेक्स्ट बनाएंगे यहाँ पर एक्स एक्स बनाने के लिए दो इस तरीके से स्टिक्स रखते हैं उसके बाद कुछ इस तरीके से हम अपने ब्लॉक को प्लेस करते हैं तो ये हमारी एक्स रेडी हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट हम दोबारा से जो है वो अपनी टू स्टिक्स इस तरीके से रखेंगे ठीक है उसके बाद एक ब्लॉक हम यहाँ रखेंगे एक यहाँ रखेंगे और ये हमारी हुई बनकर रेडी हो गई है अब हम बनाएंगे शॉवल शॉवल बनाने के लिए दो स्टिक्स हम इसी तरीके से रखेंगे उसके बाद एक ब्लॉक यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो ये हमारा शॉवल रेडी हो चुका है लास्ट में हम बनाएंगे अपनी uh, sword. Sword बनाने के लिए सिंपल आपको एक स्टिक रखनी होती है और दो आपको यहाँ पर ब्लॉक uh, प्लेस करने होते हैं ये आपकी जो है सॉर्ट है वो रेडी हो गई टोटल पांच टूल होती हैं जो कि आपको काफी चीजों में हेल्प करती है सबसे पहले शॉवल कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि डर्ट पास में है तो आप ज्यादा ईजी रहेगा डर्ट को ग्रेवल को क्ले को और सेंड को आप शॉवल से कलेक्ट कर सकते हो आ, हुई आपके आ, सीडिंग के काम आती है इसके अलावा आप एक्स की मदद से वुड कलेक्ट कर सकते हो जो कि फास्ट जो है वो कलेक्ट हो जाएगी वैसे तो आप चाहो पिक एक से भी कर सकते हो बट इससे फास्ट हो जाएगी ठीक है इसके अलावा सॉर्ड एनिमीज को मारने के लिए होती है चाहे वो एनिमीज हो या एनिमल हो इसके आप मार सकते हो तो यहीं पे मैं आपको मार के दिखा भी देती हूँ वहां क्रीवर घूम रहा है बट यहाँ पे हम किसी एनिमल को मार लेते हैं तो सॉर्ट काफी फास्ट वर्क करती है एनिमी के लिए बाकी हमारी जो पिकेक्स है वो स्टोन को तोड़ने के काम आती है मतलब अगर आप स्टोन uh, तोड़ना चाहते हो और फास्ट तोड़ना चाहते हो तो वुड के मामले में थोड़ी फास्टेस्ट होती है ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ वैसे डर्ट तो आप शवल से तोड़ सकते हो अच्छा गाइस ग्रेवल ये ग्रेवल है तो ग्रेवल को आप एक्स से इजीली तोड़ सकते हो शवल से ठीक है तो फास्टेस्ट तरीके से आप तोड़ सकते हो तो ये ग्रेवल है सारे ये फटाफट फर्ट से चावल से टूट जाते हैं तो गाइस ये था सिंपल आज की वीडियो आई होप आपको समझ आई होगी कि कौन सी टूल कब इस्तेमाल करनी है और लकड़ी से ज्यादा जो है वो फास्ट टूल होती है स्टोन्स की नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपनी टूल्स को अपग्रेड कैसे कर सकते हो तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में Bye -bye.